चॉकलेट मतलब खुशियाँ, आपके बच्चों का एक प्यारा सा मुस्कान, आपके सबसे चाहते इंसान के लिए एक मीठा सा तोहफा, आपकी उसी चाहते इंसान की मुस्कुराहट की वजह। क्या आप जानते हैं आपके बच्चों की खुशी आनंद की वजह किसी और बच्चों की दर्द की कारण भी बन सकता है? चौंक गए? चौंकिए मत, सही सुने। अफ्रीकन कंटिनेंट की माली, बुर्किना फासो, नाइजर, इन देशों की तरह ऐसी बहुत सी देशों की माता पिता का गोद खाली हो जाते हैं, बहुत सी बच्चों का बचपन खत्म हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस पूरी दुनिया की होठों पर मुस्कान और चॉकलेट की मीठी सी स्वाद देने के कारण। चॉकलेट का फर्मेंटेशन से लेकर मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन तक सब कुछ मेंटेन करता है वर्ल्ड का कुछ बिग चॉकलेट कंपनीज। ये चॉकलेट आता है कोको ट्री से। यही कोको ट्री में जो कोको फल होता है उसी के बीन से ये चॉकलेट तैयार होता है। कोको ट्री लंबाई में 4 से 8 मीटर तक होता है। कोको ट्री का फल लगभग अक्टूबर में आता है और उसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते से लेके कोको फल को संग्रह करना पड़ता है। पहले कोको फल को काट के उसका भीतर का बीन्स अलग किया जाता है। अलग करने के बाद बीन्स को पहले बनाना लीफ से 5 से 6 दिन अच्छे से ढक के रखना पड़ता है, जिसके कारण इसके भीतर का टेम्परेचर करीब 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और उस गर्मी की वजह से बीन्स का अंदर का रस बाहर निकल जाता है। इस फर्मेंटेशन के ऊपर ही ज्यादातर चॉकलेट का स्वाद डिपेंड करता है। उसके बाद इस बीन्स को 5 से 6 दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है। ये कोको प्लांट्स बेसिकली 3 टाइप का होता है, जो है फॉरेस्टेरो, क्रियोलो एंड ट्रिनिटारियो। इनमें से पूरी दुनिया में 80 से 90% फॉरेस्टेरो टाइप का कोको प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड के बड़े बड़े चॉकलेट कंपनी कोको गार्डन के मालिक से 1 केजी कोको सिर्फ 1 यूरो में खरीदता है। इसी 1 केजी कोको से मिनिमम 40 पीस चॉकलेट बार बनता है। आप तो जानते हो ब्रांडेड कंपनी का एक चॉकलेट बार का प्राइस क्या होता है, 1 केजी ओनली 1 यूरो पर। बहुत ही कम है ना? इतने कम पैसों में भी कोको गार्डन के मालिकों को कोई दिक्कत नहीं होता, और ये तभी पॉसिबल होता है जब ये संग्रह करने में बहुत ही कम पैसे खर्च होता है या फिर कुछ खर्चा ही नहीं होता। इतनी कम पैसों में कोको मिलने की वजह है नाइजर, माली, बुर्किना फासो जैसी देशों से चोरी हुआ, किडनैप हुआ बच्चे। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत पैसों के लिए कोई मजबूर पिता माता अपने बच्चों को इस कोको गार्डन में काम करने के लिए भेज देता है। चाइल्ड लेबर बहुत ही कम पैसों में ज्यादा काम करवाने का एक पुरानी प्रथा है। कंपटीशन की इस दुनिया में प्राइस कम रखने के लिए चाइल्ड लेबर यूज होता है, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चे को पैसा नहीं मिलता और किडनैप हुआ बच्चे क्या पैसे के बारे में पूछेगा? अगर पूछ भी लिया तो बदले में मार ही मिलता है। ये सब बच्चे कोको फील्ड के हर मुश्किल जगह पर जा सकते हैं। हाँ, इसमें से कुछ बच्चों को जहरीली कीड़े, बिच्छू या सांप काटने की वजह से मर भी जाता है, बट उससे मालिक को क्या फर्क पड़ता है? हर दूसरे दिन उसको फिर से कोई किडनैप हुआ बच्चा मिल जाता है। गरीबी रहेगा तो बच्चों का आमदनी भी रहेगा। बड़ी कंपनी अपने फायदे के लिए मुंह बंद रखेगा, और हम लोग तो वैसे भी कुछ बोलते भी नहीं है, सो हम लोग चुप रहेंगे फॉरेन कंपनी की चॉकलेट का टेस्ट के लिए। शायद अभी इस टाइम पर सिंगल मॉल्ट, तंदूरी चिकन और डार्क चॉकलेट के साथ कहीं पार्टी भी चल रहा है। ओके दोस्तों, अगले पार्ट में हम लोग आपके सामने ले आएंगे कैसे ये 6 से 14 साल की उम्र के लाख लाख अफ्रीकन बच्चे अपना बचपन रैपिंग पेपर में लपेट कर डाल रहा है हम लोगों के मुंह पर। अगर इस वीडियो के बारे में और डिटेल्स में जानना है, देन प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन।